जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी के 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आपको अच्छे से याद करना है। पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, 15 टॉप क्वेश्चन को अच्छे से आप याद करें, ठीक है। बिना आपका टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, ओके। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा जो है वो क्या होती है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचनात्मक, विविधतात्मक, तुलनात्मक या आलोचनात्मक, समाजशास्त्र की जो स्वाभाविक मुद्रा होती है वो क्या होती है। फटाफट दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तुलनात्मक। क्या होती है दोस्तों? समाजशास्त्र की जो स्वाभाविक मुद्रा होती है वो होती है तुलनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, सामाजिक मनमुटाव, व्यवसायिक संरचना या पीढ़ी अंतराल। तो दोस्तों, बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच के जो अंतराल को है क्या कहते हैं दोस्तों? सबको पता है क्या कहते हैं? पीढ़ी अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीढ़ी अंतराल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसे ऑन पॉपुलेशन किसकी रचना है? ऐसे ऑन पॉपुलेशन जो है वो किसकी रचना है? रॉबर्ट ब्रस्टेड की, मैकाइवर पेज की, या एलियट मेरिल की, या मार्क्स की? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा ऐसे ऑन पॉपुलेशन जो है किसकी रचना है, ये आपके हैं दोस्तों किसकी? मार्क्स की प्रमुख रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, आगे आपके सामने है चौथा क्वेश्चन क्या है, देश के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों, प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की जो संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है, वो आपका लिंगानुपात है। कहने का मतलब, लिंगानुपात जैसे प्रश्न पूछा था कि लिंगानुपात सबसे कम, कम का मतलब हो गया, लिंगानुपात का कम का मतलब हो गया कि कहां लड़कियों की संख्या में कमी है। हम कहते हैं ना कि इस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर पूछा कि लिंगानुपात सबसे कम है, यानी किस राज्य में लड़कियों की संख्या जो है वो कम है। तो दोस्तों, यानी हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है, और सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपके किस राज्य का है? तो वो है आपके केरल राज्य का। किस राज्य का? केरल का। तो दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात आपके हरियाणा का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य है निर्धारित अवधि के दौरान हुए जीवंत बच्चों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात, या एक क्षेत्र विशेष में निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या, या प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो पूछा है आपको वो ये पूछा है जनसंख्या की आयु संरचना। तो इसका जो तात्पर्य है दोस्तों, वो यहाँ पर हो जाएगा कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का जो अनुपात है वही आपका जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना दोस्तों, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिराव गोविंद राय फुले ने, अयनकली ने, या नारायण गुरु ने? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अच्छे से याद रखे, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। इसके बाद देखो सातवां क्वेश्चन है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरसिंगाचार्य श्रीनिवासन, या गोविंद सहाय गुरिये, या एस आर देसाई, या डीपी मुखर्जी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सहाय गुरिये। ये जो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। याद रखें अच्छे से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, आठवां क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? कितने भागों में बटी हुई थी वर्ण व्यवस्था? 5, 4, 2 या 3? सबको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आपको पता है वर्ण व्यवस्था 4 कौन कौन से, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया था वर्ण व्यवस्था को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा नवा क्वेश्चन, जाति व्यवस्था का मूल आधार है क्या है दोस्तों?
कर्म, जन्म, सामाजिक स्वीकृति, इनमें से कोई नहीं। तो जाति व्यवस्था का जो मूल आधार है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा जन्म। जन्म जो है वो जाति व्यवस्था का क्या है, मूल आधार है। नेक्स्ट है दसवां क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, मतलब अंत किया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारे अनुच्छेद नंबर 17। ठीक है, आर्टिकल 17 दोस्तों, इसमें जो है आपके अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले या सैयद अहमद खान? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना इसने किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 12वां क्वेश्चन, देखिएगा महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यों को क्या कह कर पुकारा गया, हरिजन, दलित, दलित पैंथर्स या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यों को क्या कहकर पुकारा गया दोस्तों, हरिजन कहकर पुकारा गया। क्या कहकर पुकारा गया, हरिजन। इसके बाद देखो अगला 13वां क्वेश्चन, अन्य विषयों की अपेक्षा समाजशास्त्र अलग विषय क्यों है? क्योंकि उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उत्तर समाज के बारे में हमें बिना पढ़े ही ज्ञान प्राप्त रहता है, यानी समाजशास्त्र को हमें बिना पढ़े ही जो है ज्ञान प्राप्त रहता है, इसलिए समाजशास्त्र जो है अन्य विषय की अपेक्षा जो है वो सबसे अलग है दोस्तों। इसका उत्तर आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला 4वां क्वेश्चन, 4वां क्वेश्चन ये है कि समुदाय से क्या तात्पर्य है समुदाय? तो उत्तर लिखेंगे, किसी भी ऐसे विशिष्ट समूह के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द हैं जिसके सदस्य सचेतन रूप से मान्यता प्राप्त समानताओं और नातेदारी के बंधनों, यहाँ पर बंधनों है ठीक है, बंधनों, भाषा, संस्कृति इत्यादि के कारण परस्पर आपस में क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े रहते हैं, उसे हम कहते हैं समुदाय। ठीक है, तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं समुदाय की। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता देखो एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष ही क्या कहलाता है दोस्तों, सांप्रदायिकता कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब सांप्रदायिकता जाति को लेकर हो सकता है, धर्म को लेकर हो सकता है, ठीक है, आपस में मतभेद, ये है सांप्रदायिकता। एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति क्या हो जाता है, विद्वेष, सांप्रदायिकता कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने जो है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मेरे हिसाब से सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो शेयर करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।